कल हमने जीवों का विकास, इस पाठ में हमने काफ़ी कुछ बातें समझ ली थी और मुझे आशा है कि जो मैंने आप लोगों को काम दिया था कि किताब को खोलकर जहां तक मैंने पढ़ाया उसे आप लोग को देखना था और उससे संबंधित जो अभ्यास में जो भी प्रश्न उत्तर दिए हों उसे हल करना था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो काम किया होगा। ठीक है, और अब पहले हम लोग ये एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। ठीक है, हमने क्या देखा था कि पहले डायनासोर पाए जाते थे कई लाख वर्ष पूर्व, उसके बाद विभिन्न कारणों से जैसे कि खाद्य संसाधनों का क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने ग्राफ से समझा था। ठीक है, और जो वातावरण में परिवर्तन है उसके कारण भी प्रजातियों पर क्या असर पड़ता है ये हमने देखा था। इन सभी बहुत सारे कारणों के कारण डायनासोर और भी कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो गईं और आज भी ये जो है ये कारण है वो प्रजातियों पे परिवर्तन कर रहे हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, और कल हमने ये भी देखा था एक आदमी था जिसको सरकार ने घूमने के लिए भेजा काम देकर, याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, कौन था वो आदमी? डार्विन। ठीक है, और इसके जहाज का नाम बीगल, डार्विन गया था बीगल में। ठीक है, बीगल में बैठ के इंग्लैंड से अमेरिका और दक्षिण अमेरिका होते हुए बाकी सारे द्वीपों पे अध्ययन करने के लिए गया। जब वो अध्ययन करने के लिए गया तो उसने किसने डार्विन ने रास्ते में दक्षिण अमेरिका में और भी जहाँ भी वो द्वीप में गया और उनके जाने से पहले जो भी रास्ता उसने तय किया होगा, पानी के रास्ते से गया था वो, उस पूरे मार्ग में या कहना चाहिए उसकी पूरी यात्रा में उसने क्या क्या देखा वो हम लोग कैटेगराइज किए हैं कि इसमें डार्विन के अवलोकन में। उसकी यात्रा कब से कब तक थी, तो सन 1831 में डार्विन ने यात्रा प्रारंभ की और उनकी यात्रा 1836 तक चली। तो 5 साल की इतनी लंबी यात्रा करने के पश्चात जो उन्होंने अवलोकन किए थे, अवलोकन तो उन्होंने बहुत सारे किए होंगे है ना, लेकिन हमको कुछ जो उनकी प्रमुख बातें थी, प्रमुख अवलोकन थे, उन्हीं पे खाली ध्यान देना है। पहला, उन्होंने क्या देखा रास्ते में, अभी मैंने क्या बोला, पानी के रास्ते से गए थे, पानी मतलब क्या, समुद्र था, तो समुद्र के जो पानी था या समुद्र में जो भी जीव जंतु थे, समुद्र में किस तरह की वनस्पतियां थी, इन सारी बातों का उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्हें समुद्र में एक विशेष प्रकार की खाद्य श्रृंखला दिखाई दी। खाद्य श्रृंखला मतलब आपको पता होगा, जैसे जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनको कौन खा लेता है, हम लोग भी खाते हैं, कोई मेंढक है खा लिया, मेंढक को कोई मांसाहारी जीव लोमड़ी वो खा ली और लोमड़ी को शेर खा लिया, तो ये सब मिल के क्या एक श्रृंखला बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। तो उन्होंने समुद्र में एक अलग तरह की खाद्य श्रृंखला देखी जिसके बारे में हम आगे समझेंगे या उसकी जानकारी आगे लेंगे। समुद्र के बाद और उन्होंने क्या देखा, उष्णकटिबंधीय वन, मतलब वहां के जो वन थे वो किस तरह के थे, उष्णकटिबंधीय, वहां के मतलब कहां के, दक्षिण अमेरिका के वन। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के वन कैसे थे, उष्णकटिबंधीय थे। वहाँ भी उन्होंने तरह तरह के जीव जंतुओं को देखा और उनके बारे में क्या किया, अध्ययन किया। अब समुद्र देख लिया, वन देख लिया और क्या बचा, पहाड़। तो दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों का भी उन्होंने जो है क्या किया जी, भ्रमण किया और वहाँ उन्होंने तरह तरह की चीज़ें अवलोकन की, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो क्या थी कि वहाँ उन्हें जीवाश्म मिला। क्या मिला, जीवाश्म। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी जीवाश्म क्या होता है, कल मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ,
जो भी जीव जंतु हैं या वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कई साल पहले पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे दब गए और उनके अवशेष मिलते हैं, जिसे जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें वहाँ पे बहुत सारे तरह के जीवाश्म प्राप्त हुए, जिसका उन्होंने क्या किया, अध्ययन भी किया, और उन्हें एक अलग तरह की चीज़ देखने को मिली। वो क्या थी, ठीक है, ये डार्विन के मेन अवलोकन हुए, समुद्री किनारे रेतीले और चट्टाने, क्या लिखा है मैंने, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स है, इसको आप इस तरह से वीडियो को पॉज करके ये नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, तो आपको इससे पूरा ये याद करने में आसानी हो जाएगी। जो इंग्लैंड से डार्विन जी चले थे, अब इंग्लैंड में जो समुद्र के किनारे होते थे, या आज भी आप यहाँ भारत में भी देखेंगे, वहाँ समुद्र किनारे कैसे होते हैं, रेतीले होते हैं, समुद्र के किनारे पे क्या होती है, रेत होती है। लेकिन वहाँ पे कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका और उसके आसपास के बहुत सारे द्वीपों पे कई जगहें ऐसी थी जहाँ समुद्र के जो किनारे थे वहाँ पे रेत ना होकर के क्या थी, बड़ी बड़ी चट्टाने थी। ये उनको एक अलग सा बदलाव नज़र आया, जिसके आधार पे डार्विन ने ये तर्क दिया या ये तथ्य कहा कि पृथ्वी में लगातार जो घटनाएँ चलती रहती हैं उसके कारण पृथ्वी की संरचना में भी परिवर्तन संभव है, ठीक है, तभी तो जो रेतीले किनारे हैं वो चट्टानों में परिवर्तित हो गए। अब जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे अपने आसपास हवा चलने लगती है तो एक जगह जो धूल है वो उड़ के दूसरे जगह चली जाती है, होता है ना ऐसा, ऐसी तमाम तरह की जो है घटनाएँ पृथ्वी में लगातार चलती रहती हैं जिनके कारण बदलाव आ सकते हैं। ये जो चार पॉइंट हैं यही मेन डार्विन के अवलोकन हैं, ठीक है। अब डार्विन ने अवलोकन तो कर लिया, ये सब कहाँ का था, दक्षिण अमेरिका और उसके आसपास द्वीप समूह के, लेकिन क्या है इसके बाद, दक्षिण अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है क्या, इक्वेडोर। इक्वेडोर जो देश है इसके पास द्वीपों का ऐसा क्या है, बहुत सारे द्वीप अगर एक जगह पे हैं क्या बोलेंगे उसको हम लोग, द्वीपों का समूह, ठीक, उन द्वीपों के समूह का क्या नाम है, गलापागोस द्वीप समूह, ठीक। यहाँ पे डार्विन ने कुछ विशेष अवलोकन किए, अवलोकन तो सब जगह किए, बहुत सारे द्वीप में घूमे, लेकिन विशेष कहाँ कहाँ पे किए, दक्षिण अमेरिका में और गलापागोस द्वीप समूह में, ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि गलापागोस द्वीप समूह में डार्विन ने क्या अवलोकन किए, ठीक है, अवलोकन ही है। गलापागोस द्वीप समूह में डार्विन ने जीवों के, जो भी जीव जंतु थे वहाँ, उनके आकार, उनके रंग, उनकी संरचना, है ना, उनके आवास में क्या क्या विविधता है, क्या समानता है, इस तरह के बहुत सारे अवलोकन किए, ठीक, जिनमें से प्रमुख क्या था, वर्मी एक प्रकार का जीव होता है, ठीक है, आप लोग अपनी किताब अगर खोलेंगे उसमें आपको इसका चित्र भी मिल जाएगा, ठीक है। वर्मी जिसको आर्माडिलो भी कहा जाता है, और फिंच ये एक तरह का क्या है, पक्षी, जैसे पक्षी होता है कौवा, मैना, कबूतर, है ना, वैसे ही एक टाइप का पक्षी है क्या, फिंच। अब उन्होंने क्या अवलोकन किया, उन्होंने जो अब अवलोकन कैसे किया होगा या उसके बारे में पता कैसे चला, उनको ये जीव नहीं मिला, वर्मी नहीं मिला था जिंदा, वर्मी का क्या मिला उनको, जीवाश्म, वर्मी का क्या मिला उनको, जीवाश्म। जो जीवाश्म उनका क्या था, 20 फीट बड़ा जीवाश्म मिला, मतलब पहले का जो समय था तब वर्मी का जो आकार था वो क्या रहा होगा, 20 फीट का रहा होगा, पर आज के समय में
जब वो गए थे, आज मतलब उनके टाइम की बात है, ठीक है, आज नहीं। तो तब वर्मी का साइज क्या था, बहुत छोटे छोटे वर्मी पाए जाते थे। मतलब पहले के ज़माने में वर्मी काफ़ी बड़े थे, लेकिन जो वातावरण में परिवर्तन आता गया या उनके जो आवास में परिवर्तन आता गया, उसके कारण वर्मी का आकार क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। मतलब उनमें परिवर्तन हुआ, ठीक है, और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकास। अब आप लोग कभी ये सोचेंगे कि बड़ा होता था और छोटा हो गया तो विकास कैसे हुआ, ठीक। जो थोड़ा बहुत सोच रहा होगा, पढ़ रहा होगा, उसको ये प्रश्न आएगा। तो ये विकास ऐसे हुआ कि जैसे डायनासोर तो सबसे बड़े थे, लेकिन वो विलुप्त हो गए, क्यों? तो जैसा आवास या वातावरण परिवर्तित हो रहा है, अगर उसके अनुकूल परिवर्तन होगा तो वो उसको भी विकास ही कहा जाएगा, ठीक है। इनमें विकास हुआ, इस तरह से परिवर्तन आया। फिंच, फिंच के बारे में उन्होंने जो खास अवलोकन किया, जो पाठ्यक्रम में हमारे निर्धारित है, वो ये है कि फिंच थे बहुत प्रकार के, ठीक है, पर जो गलापागोस द्वीप समूह था, इसमें क्या था, इक्वेडोर जो देश है, यहाँ से इनका जो डार्विन का था, पहले इन्होंने क्या देखा वो देख लेते हैं। डार्विन ने ये देखा कि अलग अलग जो द्वीप समूह में, अलग अलग जो द्वीप हैं, इनमें पाए जाने वाले फिंच जो हैं वो लगभग एक जैसे हैं, लगभग कैसे हैं, एक जैसे, पर उनमें थोड़ी थोड़ी विविधता है। जैसे क्या खास विविधता थी, जो इनकी चोंच है, क्या है, चोंच। अभी आप लोग अपना किताब खोलिए और जो फिंच का चित्र दिया हुआ है उसको निकाल के देखिए, और जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनते रहिए। फिंच की जो, फिंच पक्षी की जो चोंच है, उसको अगर आप देखें तो उसकी चोंच में मूलभूत काफ़ी अंतर दिखाई देता है, ठीक है। ये अंतर क्यों है या कैसे आ गया, तो जिस, जो फिंच कीड़े खाते हैं, या कोई फिंच क्या खाते हैं, बीज खाते हैं, है ना, कोई फिंच कुछ और खाते हैं, तो जो उनके आहार में, जो उनके भोजन में विविधता पाई गई, उसके कारण धीरे धीरे उनकी चोंच भी परिवर्तित हो गई, या उनकी चोंच में भी विविधता आ गई। तो डार्विन का ये कहना था, या जो उन्होंने तर्क दिया, कि जो फिंच थे वो इक्वेडोर देश में पाए जाते थे, सारे फिंच वहाँ से जो उन लोग उड़ के निकले होंगे, ठीक है, तो कोई फिंच यहाँ आ गया, कोई फिंच यहाँ आ गया, कोई इस द्वीप में चल दिया, कोई इस द्वीप में चल दिया, ठीक है। अब हर द्वीप में आहार अलग अलग था, तो उसके हिसाब से ढलते गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन, जो आगे आएगा, ठीक है। तो अनुकूल होते गए और उनकी चोंच में विविधता उत्पन्न हो गई, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। डार्विन की यात्रा संपन्न होने के साथ साथ, ठीक है, आप लोगों को मैंने कल क्या बताया था कि डार्विन जो थे उनकी बचपन से ही रुचि किसमें थी, जीव विज्ञान के प्रति, ठीक। तो उनके ही जैसा एक और आदमी था, अल्फ्रेड रसेल वैलेस, ये आदमी भी जीव विज्ञान के प्रति काफ़ी रुचि रखते थे। तो इन्होंने क्या किया, तितली और अन्य भांति भांति के जीव जंतुओं का अध्ययन किया, खासकर तितली के बारे में बहुत अध्ययन करते थे, बहुत सारी रिसर्च इन्होंने की हुई है, ठीक है। अब ये जो थे, इन्होंने भी अपनी रिसर्च की, बहुत सारा अध्ययन किया, है ना, और तमाम ताम झाम करने के बाद ये भी डार्विन के जैसे ही निष्कर्ष पे पहुँचे। जैसे डार्विन ने कहा कि जो लगातार धरती पे होने वाली प्रक्रियाओं के कारण धरती का स्वरूप बदल सकता है ना, और जो भी डार्विन ने बातें कही जो हमने अभी देखी, वो वैसी ही पूरी बातों का इन्होंने समर्थन किया। कैसे किया, अपने अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकाले वो इनसे मिलते जुलते थे, ठीक। तो इन दोनों ने मिल के क्या किया, अब जैसे एक समान लोग हैं तो लोग मिल जाते हैं, मिल गए, मिल के कुछ करते हैं भाई, कुछ बड़ा हो जाए, है ना। आप लोग जैसे कक्षा दसवीं में पढ़ रहे हैं, तो एक बार ये भी दसवीं में पढ़ रहा है, ये भी दसवीं में, तो सबको एक साथ बैठा दिए ना, बस वैसे ही इन लोगों ने मिल के
विकास का सिद्धांत दिया। विकास का सिद्धांत कहने का मतलब क्या हुआ कि कैसे विकास हुआ होगा। ठीक, तो इन्होंने कुछ चार पांच पॉइंट दिए, चार पांच बिंदु महत्वपूर्ण टाइप के दिए। ठीक है, देने के लिए तो इन्होंने कई विकास के सिद्धांत के ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई। ठीक, लेकिन हमको क्या देखना है, सिर्फ प्रमुख प्रमुख बिंदु। ठीक है, तो क्या क्या थे। पहला इन्होंने कहा कि जो भी धरती में जीव पाए जाते हैं, है ना, सब में विविधताएं पाई जाती हैं और इन्हीं विविधताओं के कारण जो जीव जंतुओं के जीने की क्षमता है ना, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई ज्यादा दिन जीता है, कोई कम जीता है। इंसान की औसत उम्र कितनी है, 60 वर्ष है विज्ञान के अनुसार। ठीक है, जीने वाले 100 साल भी जीते हैं, पर जो कुत्ते हैं वो लोग 10-15 साल में निपट लेते हैं। ठीक है, तो ये विविधता पाई जाती है जिससे जीने की क्षमता क्यों होता है, क्योंकि बनावट शरीर की अलग अलग है, उसी को क्या कहेंगे, विविधता। उसी के कारण उन लोग अलग अलग जीते हैं। और क्या बोला इन्होंने कि जीवों की उत्पत्ति धरती में ऐसे अचानक से नहीं हो गई है ना, कि आज इंसान है, आप लोग देख रहे हैं, रह रहे हैं, कल आपके पड़ोस में कोई नया ऐसे गिर गया कहीं आसमान से, ऐसा नहीं हुआ। कैसे हुआ, तो जीवों की उत्पत्ति उनके पूर्वज से हुई। पूर्वज मतलब कोई उनका जीव है ना, आपके दादाजी है, उनके बाद आपके पापा जी, फिर आप, ऐसा होता है। तो ये हुआ, ठीक, पूर्वजों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने क्या कहा कि जो जीवों में विविधता पाई जाती है ना, जीवों में विविधता जो है उसका कुछ भाग ही आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ठीक, कुछ भाग ही आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। जैसे कैसे, आपको बताया जाए, आप ही लोग कुछ सोच सकते हैं कि कुछ भाग आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। मतलब आप अपने ही उदाहरण ले लीजिए, आपके घर में आपकी मम्मी है, पापा है, तो आपके पापा से आपके सारे गुण नहीं मिलते जुलते हैं, है ना, कुछ गुण ही मिलते जुलते हैं, कुछ गुण मम्मी से मिलते जुलते हैं। ठीक, यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है। ठीक है, और यही जो प्रक्रिया है ये चलते जाएगी तो क्या होगा, अलग प्रजाति का निर्माण हो जाता है। ठीक, नई प्रजाति का निर्माण हो जाता है। ये अपने क्या हो गए, विकास के सिद्धांत। ठीक है, अब जो फिंच थे वहां वापस चले चलते, तो दो आपको और इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ जाएगी अभी। क्या, सजातीय लक्षण और समृद्धि लक्षण। अब आप देखिएगा क्या कि जो फिंच थे उनकी चोंच अलग अलग थी। चोंच कैसी थी, अलग अलग थी, लेकिन क्या कहा था डार्विन ने, इक्वेडोर से कोई फिंच की प्रजाति उड़ के आई होगी। मतलब कोई सेम प्रजाति रही होगी ना, प्रजाति मतलब एक टाइप के जीव, उनकी चोंच सेम थी पर अभी चोंच अलग अलग है। पर उनकी चोंच का काम भी खाना था, इनकी चोंच का काम भी क्या है, खाना है ना। तो सजातीय लक्षण क्या हुए, जिनके पूर्वज समान और कार्य अलग। अभी देखिए, अभी मैंने क्या बोला, दोनों का काम खाना ही था। अब आप बोलोगे सर आप कार्य सेम बता के अलग लिख दिए, है ना, यही आपको समझना था। ठीक, क्या समझना था कि जो इधर फिंच आए, किधर आए, गैलापागोस द्वीप समूह में आने के बाद चोंच परिवर्तित हो गई, तो क्या था, ये फिंच कीड़ा खा रहा था, वो फिंच बीज खा रहा था, ये फिंच कुछ और खा रहा था। ठीक है, पर जो पहले के फिंच थे वो सब कोई एक ही टाइप का आहार खाते थे, तो इनके कार्य अलग अलग हो गए। एक फिंच की चोंच बीज चबाने के काम आती है, एक फिंच की चोंच कीड़े चबाने के काम आती है, तो अलग अलग कार्य हुआ कि नहीं हुआ। बस, तो जिनके जो है पूर्वज समान होते हैं, कार्य अलग अलग, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय लक्षण। वहीं दूसरी ओर समृद्धि लक्षण किसे कहेंगे, जस्ट इसका उल्टा। मतलब पूर्वज क्या हो जाएगा, अलग अलग, या कहना चाहिए पूर्वज को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, उत्पत्ति, जहां से इनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति समान हो। और समृद्धि लक्षण में जस्ट उल्टा, यानी उत्पत्ति अलग अलग और कार्य
एक समान। इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं, जैसे जो चिड़िया होती है, चिड़िया के पंख वो कैसे बनते हैं, अगर उसके बारे में आप, ये भी चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है, चिड़िया के पंख जो उसके सामने वाले पैर होते हैं, है ना, उनकी हड्डी, जैसे सामने वाला पैर हुआ, इनकी ये हड्डी ही ऐसा निकलती है और इसी के ऊपर फिर मांस बन के इस पंख का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन जो तितली है, तितली जानते हैं ना, तितली, तितली के पंख बनते हैं उसकी मांसपेशियों से, ना कि हड्डी से। लेकिन दोनों के पंख क्या काम आते हैं, उड़ने के। और दोनों कहाँ उड़ते हैं, हवा में ही उड़ते हैं, कोई पानी में नहीं उड़ता है। इसलिए दोनों के क्या कार्य समान हैं, पर दोनों की उत्पत्ति क्या है अलग अलग। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसके बाद आगे चले चलते हैं हम, हमारा अभी क्या बच गया, नेक्स्ट टॉपिक चयन, ठीक। चयन क्या बचता है, चयन में चयन होता है कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन। कृत्रिम चयन मतलब इंसान का चयन, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो गुलाब का फूल होता है वो कौन सा कलर का होता है, गुलाबी। लेकिन आजकल काला, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद, बहुत टाइप का गुलाब आ गया। कैसे आ गया, तो हम लोग इंसान लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस पेड़ को काटते हैं, इस पेड़ को काटते हैं, लाकर जोड़ के बांधते हैं, देखे होंगे ना आसपास, हाइब्रिड बोलते हैं जिसको हम लोग, बस। तो ये क्या हुआ है, कृत्रिम चयन। हमको जो चाहिए था हमने उस चीज़ का चयन किया, उस गुण का चयन किया, उस अभिलक्षण का चयन किया और वो चीज़ बना ली। तो डार्विन का कहना था कि जी इसको हम लोग क्या कहेंगे, कृत्रिम चयन जो इंसान द्वारा किया जाता है, और प्राकृतिक चयन जो प्रकृति के द्वारा किया जाए। डार्विन का कहना था कि जैसे हम चयन करते हैं कृत्रिम चयन होता है, ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक चयन भी होता होगा, जिसके कारण विविधता पाई जाती है और विकास होता है। कैसे होता होगा ये चयन, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ही आसान चीज़ है, बस थोड़ा समझना है। जैसे कोई पेड़ है, ठीक, पेड़ में बैठा है कौन, कौवा, क्रो, ठीक है। अब इधर बहुत सारी झाड़ियां हैं, झाड़ियों में दो तरह के कीड़ों का जो है प्रजाति पाई जाती है, ये है लाल और ये हैं हरे, ठीक है। अब आप खुद बताइएगा, अगर कौवे को खाना है, कौवे को क्या करना है, खाना है, भूख लगी है, सब खाते हैं, ठीक, उसको भी खाना है। अब उसके पास ऑप्शन क्या है, लाल कीड़े और हरे कीड़े, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, होटल में ही बैठा है, ठीक है। पर अगर कौवे को खाना है तो वो किसको खाएगा, वो तो किसी को भी खा लेगा, कौवा को कोई चॉइस तो होता नहीं। लेकिन यहाँ जो झाड़ियाँ हैं या पत्ते हैं उनका रंग क्या है, पौधों के पत्तों का रंग क्या होता है, हरा, यहाँ हरे हैं, ठीक है। तो हरे जो पत्तों के ऊपर हरे कीड़े बैठे हैं ये क्या होंगे, छुप जाएंगे, है ना, हरे पे हरा दिखता नहीं है। पर लाल जो कीड़े होंगे वो अलग से दिखाई देंगे। तो यह कौवा क्या किया, लाल कीड़ों को खाने लगा। अब एक कौवा है, ऐसी बहुत सारे कौवे हैं तो बहुत सारे कीड़ों को खाने लगे, तो एक टाइम में क्या होगा कि पूरे लाल कीड़ों को खा जाएंगे और कौन बच गया, हरे कीड़े। तो अब कीड़ों की कौन सी प्रजाति बच गई, हरे वाले, लाल प्रजाति विलुप्त हो गई। क्या हो गई, विलुप्त हो गई। पूरा पाठ इससे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्राकृतिक चयन, प्रकृति ने इसको एक तरह से क्या कहना चाहिए, एडवांटेज दिया, जिसके कारण ये बच पाया। तो ये अपना कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन हो गया, ठीक। इसके बाद आपका खाली एक टॉपिक और बचा है, उसको भी कर ही लेते हैं, छोटा सा है, परिभाषा है सिर्फ, क्या है, अनुकूलन और प्रजातिकरण। अब ये हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, बस ये अलग से हाईलाइट नहीं किया। अनुकूलन मतलब जैसा आवाज, जैसा वातावरण, उसके हिसाब से ढल जाना, उसको क्या बोलेंगे, अनुकूलन, ठीक। और उसी के हिसाब से प्रकृति ने भी चीज़ें दी हुई होती हैं। जैसे आप देखें, वही भालू वाला कल उदाहरण दिया था आपको, यहाँ जो भालू है वो काला है, वहाँ भालू है वो सफ़ेद है, या भालू ही है वो जंगल में रहता है, मधुमक्खी उसको, भालू क्या खाता है, शहद, उसका आहार है शहद। अब मधुमक्खी डंक मारती है, आपको किसी ने किसी को आपको भी मिला होगा डंक, है ना। तो उससे बचने के लिए भालू के शरीर में क्या दिया है, बहुत सारा बाल, ताकि वो सेफ रहे, है ना, मधुमक्खी मत काटे। अब उसको तो खाना शायद ही है। ये सब क्या हो गया, अनुकूलन और प्रजातिकरण। जैसे फिंच आए अपने वो इक्वेडोर से, गलापागोस द्वीप समूह,
अब उनकी चोंच में विविधता आ गई, कितनी, एक ही पीढ़ी में, है ना। और डार्विन ने विकास के सिद्धांत में क्या कहा कि हर पीढ़ी जो गुण हैं वो एक कम होते जाते हैं, है ना। 100 अगर गुण हैं तो कितना गया, 80 गया, अगले पीढ़ी में 60, अगले में 30, उसमें 20, उसमें 10, 5, 2, 1, 0, फिर एक नई प्रजाति का जन्म हो जाता है या एक नए टाइप के जीव बन जाते हैं। अब प्रजाति आप किसको कहेंगे, जो आपस में जो भी जीव आपस में लैंगिक प्रजनन नहीं कर सकते, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रजाति। तो और एक नई प्रजाति का बनना ही क्या कहलाएगा, प्रजातिकरण। ठीक, तो ये था हमारा पाठ का आधा भाग आज का, और कल और आज के वीडियो को मिला के हमारा पाठ 1 जीवों का विकास खत्म होता है। धन्यवाद।